6 सितंबर 2018 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब देश में सेक्शन 377 के तहत देश की शीर्ष अदालत ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसने देश के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। वो निर्णय था कि अब देश में दो बालकों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं होगा। यह निर्णय भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिया था। यह फैसला एक मत से दिया गया था कि यदि किसी भी दो बालकों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध हैं, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अस्वीकार किया और व्यक्तिगत चॉइस को सम्मान देने की बात कही। मैं हूं शुभांगिनी दुबे और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया। तो खबर यह है कि कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन मंत्री प्रदीप जोशी के कई युवा लड़कों से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के कारण उन पर सख्त कार्रवाई हुई। उन्हें पद से तो हटाया ही गया, साथ में उनकी मीडिया में भी काफी बदनामी हुई। वहीं दूसरी ओर दो भारतीय लड़कों ने बाकायदा घरवालों की रजामंदी से शादी कर ली है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल पराग मेहता और वैभव जैन दोनों अमेरिका के रहने वाले दो भारतीय मूल के लड़के हैं। दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अब इन्होंने धूमधाम से शादी कर ली है। शादी को हुए कुछ महीने जरूर हो गए हैं, लेकिन इस जोड़े ने अब अपनी तस्वीरें साझा की हैं और फिलहाल ये सुर्खियों में भी आ गए हैं। पराग और वैभव की शादी में सबसे खास बात ये थी कि इनके परिवार वाले समलैंगिक शादी के खिलाफ नहीं थे और उन्होंने ही इनकी धूमधाम से बारात निकाली। इस शादी में दुल्हन नहीं थी बल्कि दो दूल्हे थे और दोनों ओर से बारात भी आई। सिर पर सेहरा सजाने से लेकर हाथों में मेहंदी लगाने तक सभी परंपराएं पूरी की गई। क्योंकि शादी में कन्या नहीं थी तो कन्यादान होने का तो सवाल ही नहीं उठता और इसलिए इस शादी में वैभव ने कन्यादान के बदले वरदान करवाया। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 14, 15 और 21 में निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी है और अब समाज के हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार इसका सम्मान जरूर करना चाहिए। आपके किसी भी तरह के सुझाव हैं तो आप YouTube में कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक भेज सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।